बगीचा तिवारी एक 18 साल की नीट एस्पिरेंट ने रिजल्ट के बाद अपने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले ली। सौम्या जो लखनऊ की 19 साल की स्टूडेंट थी, उसने अपने हॉस्टल रूम में सुसाइड कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ नीट 2024 के रिजल्ट के बारे में। नीट परीक्षा के नतीजों के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है। देश के कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतर कर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 5 मई 2024 को नीट एग्जाम रिजल्ट आउट हुए, जिसमें लगभग 24 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। केवल हमारे देश में 55,000 गवर्नमेंट सीट्स है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पे जो हर एक स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर के लिए बहुत जरूरी है। ये कहानी है नीट 2024 के स्कैम की, जो न सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाता है, बल्कि हमारे सामाजिक प्रथाओं और पेरेंटल प्रेशर के बारे में भी सोचने में मजबूर करता है। कई 16 से 20 उम्र के बच्चे, जिन्होंने अब तक दुनिया भी नहीं देखी है, उनके कंधे पर उनके आने वाले भविष्य का पूरा बोझ दिया जाता है। दोस्तों और रिश्तेदारों के बच्चों से उनका कंपैरिजन हो या फिर नीट या फिर जेईई क्रैक ना किया जाए तो फेलियर बनके रह जाओगे जिंदगी में, ऐसी बातें उन पर दबाव डालती है। शर्मा जी के बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखा है? सब में 100 out of 100 मिले हैं उसे। शर्मा जी का बेटा ओलंपिक्स में भाग ले रहा है, ओलंपिक्स में। अंडर प्रेशर कई बच्चे सेल्फ डाउट में चले जाते हैं या फिर अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं, जिससे डिप्रेशन या फिर खुद से ही हेट इन बच्चों के मन में शुरू हो जाता है। और इसका एंड ऐसा भी आता है कि कई बच्चे खुदकुशी करने में इस सफरिंग से मुक्ति मान बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज देशमुख और आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2024 के स्कैम के पीछे की कहानी, इसके इम्पैक्ट्स और हम सबको इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है एक बड़े चीटिंग रिंग से, जिसमें परशुराम रॉय और तुषार भट्ट जैसे लोग शामिल थे। ये लोग स्टूडेंट से लाखों रुपए लेते थे और उन्हें नीट एग्जाम पास करवाने का झूठ बोलते थे। परशुराम रॉय जो एक फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी के मालिक है और तुषार भट्ट एक स्कूल टीचर, पर इन दोनों पे एक्यूज लगा फ्रॉड करने का। इन्होंने कम से कम 16 स्टूडेंट्स को 10 लाख लेकर नीट एग्जाम पास करवाया। इसके बाद क्वेश्चन पेपर लीक होने की खबरें भी सामने आई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिखाया गया कि नीट 2024 का पेपर लीक हो चुका है। और जब रिजल्ट सामने आए तो सबसे बड़ी चोरी सामने आई, जब 67 स्टूडेंट को 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिले। इसमें खास बात यह है कि एक ही सेंटर में 8 स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिले। ये स्टूडेंट्स एक ही सेंटर हरियाणा से थे और उनके रोल नंबर भी सिक्वेंशियल थे। ये सब देखकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने चीटिंग और इरेगुलरिटीज के एलिगेशन लगाए। बहुत से कैंडिडेट्स और ऑर्गेनाइजेशन ने जुडिशियल प्रोब और री एग्जामिनेशन की डिमांड की है। NSUI ने भी नीट एग्जाम के स्कैम को लेकर जुडिशियल प्रोब की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट रिजल्ट पर स्टे देने से मना कर दिया, लेकिन इसके बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का गुस्सा भी ज्यादा बढ़ गया। पेरेंटल प्रेशर और कोचिंग सेंटर का कल्चर जो इस पूरे सिस्टम को और भी टॉक्सिक बना देता है। कोटा जैसी जगह पर हर साल कई सारे स्टूडेंट सिर्फ प्रेशर की वजह से अपनी जान देते हैं। कोटा में होने वाले सुसाइड की खबरें कुछ नई नहीं है। रिसेंट में कोटा के एक हॉस्टल की तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें फैन के ऊपर बैरिकेड लगा हुआ था। मैम, क्या है, कोटा में बच्चों के लिए सब कुछ होता है, पर ये लोग सिर्फ जेईई एस्पिरेंट्स नहीं हैं। हम लोग भूल जाते हैं, लोग 15-16 साल के बच्चे हैं। दुनिया भर के इन्फैचुएशंस हैं, सिक्योरिटीज हैं। टीचर डांट दे तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, दोस्त ने कुछ कह दिया तो वो इनको बुरा लग जाता है। हर चीज सीरियसली लेते हैं लोग। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। कोटा में जैसे कंपटीशन होता है, जिस तरह की सब भीड़ में भागते रहते हैं, ये अपने कोटा फैक्ट्री के नाम का आपने शो देखा ही होगा। कोटा इंडिया का जेई या फिर नीट कोचिंग का हब है। देश के कोने कोने से यहाँ पे बच्चे आते हैं सिर्फ इस जंग में जाने के लिए। कोटा जो कोचिंग हब के नाम से जाना जाता है, वहां पर 2024 में 11 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। इन स्टूडेंट्स पर सिर्फ एग्जाम का नहीं, बल्कि पेरेंट्स और सोसाइटी का भी प्रेशर होता है। पेरेंट्स के लिए बच्चे से ज्यादा एग्जाम में स्कोर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स MBBS या फिर IIT के आगे कुछ देख ही नहीं पाते, सब टॉपर बनने की रेस में लग जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि दुनिया में और भी कई सारी चीजें हैं जो बेहतर हो सकती है। पेरेंट्स के प्रेशर और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस ने स्टूडेंट्स को इतना मजबूर कर दिया है कि उन्हें अपनी जान देना ही बेहतर रास्ता लगता है। कोचिंग सेंटर्स भी प्रेशर बढ़वा देते हैं। कोटा जैसी जगह पर कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके पास यही एक रास्ता है सफलता का। ये प्रेशर सिर्फ एक मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास का प्रॉब्लम नहीं है, गरीब परिवारों के बच्चे भी इस दौड़ में फंस जाते हैं। एजुकेशन पर इतना
इतना पैसा खर्च करना हर किसी के बस की बात नहीं है और यही चीज इनइक्वालिटी को बढ़ाती है। एक स्टूडेंट के फादर ने बताया, मैंने अपने घर और जमीन बेच दी ताकि मेरे बच्चे का सपना पूरा हो सके, अगर वो फेल हो गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इस तरह का फाइनेंशियल प्रेशर स्टूडेंट्स को और उनके परिवार दोनों के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। 2024 में कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई, जैसे बगीचा तिवारी, सौम्या, सुमित और भरत कुमार राजपूत, इन सभी ने अपना सपना पूरा करने के प्रेशर में अपनी जान ले ली। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे स्टूडेंट्स इतना प्रेशर फील करते हैं? स्टूडेंट्स पर प्रेशर डालने वाले सिर्फ एग्जाम ही नहीं बल्कि पेरेंट्स और सोसाइटी भी है। पेरेंट्स और कोचिंग सेंटर्स ये क्यों नहीं बताते कि इन एग्जाम्स के अलावा बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं आपके लाइफ में, आप वो करो जो आपको पसंद है, ना कि आपके माता पिता या फिर समाज चाहे। एक झूठे दिखावे के लिए जिंदगी भर के लिए खुदकुशी मत करो। आपकी जिंदगी ये सबसे बड़ी चीज है, ना कि डॉक्टर या फिर IIT बनना। डॉक्टर या फिर IIT इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। आपका इंटरेस्ट ढूंढो, पैशन ढूंढो, उसमें अपनी जी जान लगा दो। कोचिंग सेंटर तो बिजनेस खोल के बैठे है, वो बस मार्केटिंग करते है। कई बार तो एक ही स्टूडेंट्स 3 अलग अलग कोचिंग सेंटर का टॉपर बनता है। हम इंसान है, हम सबकी अलग अलग पहचान होती है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। मैं कई स्टूडेंट से मिला जो बताते हैं कि उनके पेरेंट्स उन पर हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा जीवन बेकार है। ये प्रेशर स्टूडेंट्स को डिप्रेस और एनएक्सियस बना देता है। अगर माँ बाप ऐसे ही बातें करेंगे तो 17-18 साल का बच्चा किसी और से क्या उम्मीद रखेगा। आप जैसे उनसे बातें करते रहोगे, जैसा उनको सराउंडिंग देते रहोगे, वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। जैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। आप जितना अपने बच्चों को दबा दबा कर रखोगे और वो उतना ही एक दिन प्रेशर से फूटेंगे। इसमें समाज को और उसके दोस्तों को या फिर उनके कोचिंग सेंटर्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो दुख और जो पीड़ा होगी वो आपको बच्चों को और आपके परिवार को सहना पड़ेगा। हर बात के लिए सिस्टम को गाली देते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में भी होती है। सिस्टम में जब डिफॉर्मिलिटी आएगी तब आएगी, लेकिन ऐसे कुछ चीजें होती है जो आपके हाथ में है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको कम मार्क्स आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये मेरे लिए नहीं है, तो छोड़ दीजिए। अपना पैशन ढूंढिए, अपना इंटरेस्ट ढूंढिए और वो करिए जो आपको पसंद है। जिंदगी बड़ी हसीन है यारो, हमेशा अपने कम वालों को देखिए और भगवान का शुक्रिया करिए। जिस जगह पर आप, वो एक बेहतर जगह है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना होगा। हमें पेरेंट्स और सोसाइटी को भी समझना होगा कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता। स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज और काउंसलिंग सेशन का होना बहुत जरूरी है। उन्हें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जहां वो अपने प्रॉब्लम्स को ओपनली डिस्कस कर सके। तो दोस्तों, समय आया है कुछ करने का, सिस्टम को बदलने का और एक नया फ्यूचर बनाने का, जहां पर सभी स्टूडेंट बिना किसी प्रेशर के अपने सपने पूरे कर सके और ये देश एक सुरक्षित समाज की तरफ बढ़ सके, ना कि डिप्रेस और हालत से हरे हुए काल की तरफ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट्स में अपने सोच बताइए।